द्रोण क्षेत्र में ग्राम चितावर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दोबारा प्रभार देने के लिए स्कूल में पढ़े बच्चे और पालकों ने आवाज उठाई। इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ पालक ट्रैक्टर ट्रॉली से एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में स्कूल में कई विकास कार्य हुए हैं। स्कूल को सही समय पर संचालित कर छात्र छात्राओं को शिक्षण संस्थान के लिए लगातार प्रयासरत है, इसलिए उन्हें पुनः हाई स्कूल चितावर का प्रभार दिया जाए और निलंबन की कार्रवाई निरस्त कर बहाल किया जाए। इसके साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मजबूर होकर ट्रक का जाम करेंगे। हमारे सर को निलंबित नहीं किया जाए और उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं हमारे स्कूल में और हमारे जो विद्यार्थी कक्षा पढ़ने के लिए बिल्डिंग बनाई जाए और हम हमारे ग्राम में ही वो अध्ययन कर सके, दूर जाने की जरूरत ना हो हमें, हम हमारे गांव पर ही पढ़ सके हम। सरकार का स्कूल बहाल करे जहाँ। अच्छा, अगर ये बहाल नहीं करते जो बच्चों को लेके आया था आगे आप क्या करेंगे? तो कोई भी चक्का जाम हो रोड बंद हो जाए एक हफ्ते तक, दे भी मौलिक साहब एक हफ्ते तक कर दो बिने सर। और इसके बाद अगर नहीं होती तो नहीं होगा, दंगा होगा, रोड जाम होगा। मामला ये प्रकाश सर जो है उनको बहाल किया जाए। हाँ अच्छा, अगर बहाल नहीं किया जाता तो क्या कार्रवाई नहीं किया जाता तो हम आगे धरना पर आगे का जो धरना है आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा करेंगे, रोड पर आए हैं हम लोग।